हाय गाइस, हम लोग जा रहे हैं। बच्चे जिद कर रहे थे, कह रहे चाचू गाड़ी के टायर डलवाने हैं। तो अभी मैं दो टायर लाए हूँ नए, तो वो अभी कह रहे हैं चाचू अभी जाना है। मैंने कहा चलो जी दिखाएंगे। सारे एक्साइटेड हैं, गाड़ी के काम के लिए बड़ी खुश होती है, कहते चाचू अभी करना है। और टाइम भी बताओ कितना ज्यादा हो गया है, लाइट गई है, काफी हो गया है। अभी पहले एक व्लॉग डाउनलोड किया है, अपलोड किया है, उसके बाद एक व्लॉग अभी ये बनाएंगे इंशाल्लाह। तो एक जो कल बच्चे क्रिकेट खेल के आए थे वो अपलोड अभी करना है। ऐसे कौन चलिए अभी हम चेंज करवा रहे हैं, शायद फिर आपको दिखाते हैं। ये नए टायर है, नाल लाइए। ये टायर देखने 70,000 के चार, मजा आया। चार टायर है सिर्फ, रिम शॉर्ट्स नहीं करी। जी हम वहाँ पे आए हैं, जैसे गाड़ी के टायर चेंज करवाने, दिखाओ। पहले डले हुए थे 205, अब करवाए हैं 95.15। अब ये जो साइज है ना, ये टायर का एग्जैक्ट साइज है, इससे क्या होगा गाड़ी की फ्यूल एवरेज अच्छी होगी, गाड़ी का चेंज होगी, नरम मलाई जैसा होगा। तो इसलिए हमने इसके टायर चेंज किए हैं। वो साथ एक फट भी किया था कल बाढ़, आपको बताया ना बाढ़ में गाड़ी बाहर निकालेंगे कोई ना कोई नुकसान होगा, तो वो बारिश की वजह से कोई कील वगैरह कोई चीज़ ऐसी थी वो ऊपर। हाँ, और दूसरे नंबर पर जो मट्टी में कील वगैरह पड़े होते हैं उसका क्या होता है, मट्टी बारिश की वजह से पानी खुल जाता है और कील बाहर रह जाती है, वो कील जो होते हैं वो टायरों में लग जाते हैं। तो जब भी आपने नए टायर डलवाने, कभी भी बाढ़ में ना डलवाएं, बाढ़ का महीना गुजार के फिर लगवाए डलवाए। तो अभी हम चेंज कर रहे हैं, फिर आपको इसका एक्सपीरियंस बताते हैं। ये बहुत अर्जेंट हो गया, इसको भी हवा पड़ेगी इसमें, ये देखिए इसको चेंज, इसको देना उनके पास आग वाली मशीन, इसलिए देख रहे हैं खुद करेंगे सब कुछ हाथ से करते हैं, हैंडमेड का देना अभी ढुकी हुआ है। ये देखिए देखिए अभी ये हो है, रिकॉर्ड देना है, हमने इसकी लुपी भी चेंज कराई है। ये देखिए बाहर आ गए, ये और रूम बाहर निकाल ये डिस्क नहीं डलवाई ये वाले, ये माज वगैरह बैठे हैं सारे, ये अपने कोई सिलाई पड़े हैं, वो मैं रात के देख में आई, ये सिलाई पड़े मेरे को देख, अब ग्रैंडी का रिम तो खाने दे रहा हूं ले आओ, बड़ी प्रॉब्लम है ये ग्रैंडी का रिम है, ग्रैंडी नहीं अल्टी था, ये 70,000 की चार कह रहा है बंदा, इनमें से कह रहा है कुल से भी ले लो, बस सारे 70,000 की। हां फिर मैंने सोचा है ये यार, मैंने ये सोचा है कि ना जो हमारी चार सौ गाड़ी को लगी है ना, वो भी जैनुइन है, जो हमारी गाड़ी को जैनुइन लगी थी उसको तो आ के ना 3,000 रुपया मैंने शोरूम में देखा था, 3,000 में पेंट करने का अपनी अपनी मर्जी का करवा सकते आज मैं राणा पैकर साहब के पास आया बिजली का बिल जमा करवाने, राणा सॉरी मेहर साहब गुस्ताखी बाप मेहर साहब नाल ही हो कहना, वो केड़ा राणा, राणे नु कह दे राणा, वो खुश हुंदे नंबर की है तेरा 309 36 14 36 14 360 और फैसल साहब बिल जमा करने लगे ने, मैं यार बार किसे खजल होना फैसल साहब का, फैसल साहब सैन भी कर लेते यार, देखो बड़ी प्यारी मारी है, ठप्पा भी लिया छो चलाया, अच्छा जी ठप्पा ला दो
पहले सादा कागज ते लाके वेख लो वाह जी वाह, ठप्पा भी लग रहा जे जबरदस्त। किसी ने स्कूल दे फार्म टस्टर करवाने कुछ करवाना पाए नु नहीं ओदी भी मोर ला देंगे। थैंक यू जनाब, हुन ओ ते रह गया। बिल जमा करवा रहा मैं कहा यूट्यूब च फैसल भाई भी आ जाना। यूट्यूब च ना फैसल भाई जी, फैसल भाई को बिल जमा करवाया ना जी। मैं गया उन्हां दे दफ्तर, मैं कहा कुटा तू क्या मैं अड्डे उतरे आ, उन्होंने अज बंद किया होया दफ्तर ही सैन नहीं किया। आ वे फैसल भाई ने सैन नहीं किते, ठप्पा भी लाया जो पीके दे ना, ठप्पा किथे लगा। ए बाजी की ना जी फैक्ट्री साड़ी छुट्टी आज क्यों छुट्टी आज भाई क्या क्या कर रही है पापा कर रही है तू क्या कर रही है तूने क्या बनाया मुझे रे पे मुझे बनाई है क्या बनाया आइस ये कर रही है गाइस क्या कर रही है गाइस चोट लग जाएगी सारा तूने नीचे गिरना और ये फाइका क्या कर रही है ओए ओए पागल लड़की गिरेगी उमा दे दे बाबा को उमा दे दे इधर से उमा कर ले यार पारी कर ले पके आओ पाके ओ पाके उमा दे दे चाचे ये कभी कभी फाइका मस्ती में ये मुझे कहते थे चाचा चाचा, सब बच्चे जो मुझे चाचू कहते हैं ना तो इसलिए फाइका भी चाचू बोलती है चाचा। हाँ जी, तो यकीन है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, टाइनो वाली भी और दूसरी भी। तो अभी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें, हमारे टाइम हमारा जो ब्लॉग है उसको ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें। तो अभी हम आपसे करते हैं अलविदा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आप लोगों को आपकी हर जो जायज़ दुआ है उसको कबूल करे, आपको अपनी हर खुशी से नवाजे और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको हर खुशी, हर मुश्किल वक्त, हर मुश्किल चीज़ की आसानियाँ पैदा करे, क्योंकि वो गफूर रहीम है, हर चीज़ पे कादर है। तो चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।